क्या कभी आपने सोचा है कि जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं उसकी लाइफ सिर्फ 1.5 से 2 साल रह गई है? आई मीन टू से आजकल आप कितना भी महंगा मोबाइल लेके आ जाएं, आपको साल से 2 साल में ये फीलिंग आने लगती है कि यस आई नीड टू चेंज माय मोबाइल, और अल्टीमेटली आप अपना मोबाइल चेंज कर भी लेते हैं। इसके पीछे खास 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह कि या तो आपके मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना अपडेटेड नहीं है, या जो उसका प्रोसेसर है वो इतना अच्छा नहीं कि आपको लगता है कि यस टाइम के साथ मुझे चेंज कर लेना चाहिए, या आपका मोबाइल गर्म होना शुरू हो गया है या अब हैंग होना शुरू हो गया है। यदि वजह पहली है तो समझ में आता है कि दैट इज अ जेन्युइन रीजन कि आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो जाना चाहिए। लेकिन यदि वजह दूसरी है तो उसमें आपकी अपनी लापरवाही या आपकी मिसहैंडलिंग हो सकती है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल को हैंग होने से और गर्म होने से बचा सकते हैं, सिंपली इन टिप्स को फॉलो करकर। तो बिना समय गवाए चलते हैं उन टिप्स के पास जिनके थ्रू आप अपने मोबाइल को हैंग होने से और गर्म होने से बचा सकते हैं। चलिए, इन टिप्स को समझने से पहले फ्रेंड्स, हम समझते हैं उस रीजन को जिसकी वजह से हमारा फोन हैंग हो जाता है और गर्म हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन नंबर 1 है, जिसमें एक ऐसा कमरा है जिसमें हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज व्यवस्थित है और अपनी अपनी जगह पर रखी हुई है। कमरा पूरा खाली है और आपको यहां पर कोई चीज ढूंढनी है। सिचुएशन नंबर 2, जिसमें हमारा कमरा पूरा बिखरा हुआ है, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं और जरूरत से ज्यादा कमरा भरा हुआ है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, यदि आपको कोई किताब इन दोनों कमरों में कोई ढूंढनी है तो किस कमरे में आप आसानी से ढूंढ पाएंगे? ऑब्वियसली सिचुएशन नंबर 1, जिसमें कमरा पूरा वेल ऑर्गेनाइज है और पूरी तरीके से खाली है। फ्रेंड्स, सेम प्रिंसिपल हमारा यहां हमारे मोबाइल पे अप्लाई होता है। यदि आपका फोन स्टोरेज अननेसेसरी एप्लीकेशन से भरा हुआ है, कैचे से भरा हुआ है, या ऐसी बहुत सारी फोटोज और वीडियोज हैं जो आप यूज नहीं करते हैं, यदि उनसे भरा हुआ है तो आपका प्रोसेसर चाहे वो कितना भी हैवी क्यों ना हो, उसे ढूंढने में, उसे अप्लाई करने में उतनी मशक्कत करनी पड़ती है और इस पूरे प्रोसेस में फ़ोन आपका टाइम कंज्यूम करता है और धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ आप अपने फ़ोन के स्टोरेज को टाइम टू टाइम रिसाइकिल करते रहें, उसे खाली करते रहें और उन्हीं एप्लीकेशन फाइल्स को रखें जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये स्टैंडर्डाइज प्रेस्क्राइब किया जाता है कि आप अपनी टोटल फ़ोन मेमोरी का 20-30% मेमोरी को फ्री रखें। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी टोटल मेमोरी है 64 GB, तो एटलीस्ट कम से कम आप 15-20 GB इस चीज़ को खाली रखें ताकि आपका फ़ोन अच्छे से वर्क कर पाए। इसके लिए सिंपल स्टेप्स है फ्रेंड्स, आइए मैं दिखाता हूँ। इस चीज़ को अच्छे से मैनेज करने के लिए फ्रेंड्स, आप टाइम टू टाइम अपने फाइल मैनेजर में जाएं और यहाँ इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करें। इंटरनल स्टोरेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी आपको एप्लीकेशन की लिस्ट मिलेगी। फ्रेंड्स, कितनी ही एप्लीकेशन जो हैं हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं और जब कुछ टाइम बाद हम उन्हें अनइंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद भी उनकी कुछ फाइल्स, टेम्प्रेरी फाइल्स हमारे यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में रहती है, जो काफ़ी सारा स्पेस खाती है और यह स्पेस आपकी पूरी मोबाइल की स्पीड को स्लो कर देता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुछ फाइल्स हैं जो यहाँ पर बिल्कुल अननेसेसरी हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ फेसबुक कैचे यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ वीडियो शो और ये सारी जो जितनी फाइल्स हैं ये अननेसेसरी हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इन सभी अननेसेसरी फाइल को सिलेक्ट कर लिया है और अब यहाँ पर मैं इस सिलेक्ट करने के बाद में इसे यहाँ डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं डिलीट करता हूँ, मेरे पास यहाँ स्पेस खाली हो गया है। फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइम टू टाइम अपने स्टोरेज को मॉनिटर करते रहें कि कहीं अनइंस्टॉल फाइल की जो टेम्प्रेरी फाइल से वो यहाँ पर स्टोर तो नहीं कर रही और कहीं आपका स्पेस तो नहीं खा रही। इसी के साथ आप अपने इस पूरे स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे अगली टिप को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने प्ले स्टोर में। अपने प्ले स्टोर में आप जाएं और जैसे ही ये जो इंटरफेस खुलता है, यहाँ अपर लेफ्ट कॉर्नर में आप पाएंगे कि यहाँ 3 छोटी-छोटी सी लाइन्स हैं, आप इसे टैप करें। टैप करने के बाद आप यहाँ नीचे आएँ और यहाँ सेटिंग में आप टैप करें। सेटिंग में फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो है ऑटो अपडेट ऐप्स, आप इसे यहाँ पर टैप करें। और यहाँ जैसे ही आप टैप करते हैं, आप आते हैं 3 ऑप्शन हैं, ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स। यहाँ आप इसे तीसरे नंबर डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आप ओवर एनी नेटवर्क ऑप्शन पे होते हैं तो आपका फ़ोन कंटिन्यूस किसी भी नेटवर्क में अपने एप्लीकेशन को अपडेट करना शुरू कर देता है, जो बैकग्राउंड में इस पूरे इस प्रोसेस को आपके मोबाइल को स्लो कर देते हैं। तो आप इसे डोंट ऑटो अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करें और इसे डन कर दें। नेक्स्ट टिप के लिए फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं।
सेटिंग को टैप करने के बाद यहाँ सबसे नीचे आप इस जगह पे आए और अबाउट फोन को टैप करें। अबाउट फोन को टैप करने के बाद यहाँ सबसे नीचे आप आएंगे कि बिल्ट नंबर आ रहा है। इस बिल्ट नंबर ऑप्शन को आप 7 बार टैप करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे ही आप 7 बार टैप करते हैं तो आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाता है, दैट इज डेवलपर ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको वहाँ पर 7 बार टैप करने पर एक्टिवेट हो जाता है। आप इस ऑप्शन में जाएं और यहाँ धीरे धीरे नीचे आएं। यहाँ नीचे आने के बाद सबसे नीचे आप आ जाएं और यहाँ इस जगह पर ऐप्स, ऐप्स में यहाँ पर यहाँ आ रहा है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। आपका फ़ोन जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है आप उस लिमिट को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस को ऑप्शन को एक्टिवेट कर देता हूँ। इसके बाद हमारा फ़ोन कुछ भी बैकग्राउंड एक्टिविटी नहीं करेगा और हैंग होना बंद हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं एक काम और करता हूँ, यदि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग होता है तो आप इस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एनिमेटर स्केल है, मैं यहाँ पर विंडोज़ एनिमेटर स्केल को चूज़ करता हूँ और इस एनिमेशन को ऑफ कर देता हूँ। साथ ही यहाँ पर ट्रांजिशन को भी मैं ऑफ कर देता हूं और यहां पर जो ड्यूरेशन है एनिमेशन का उसे भी मैं ऑफ कर देता हूं। इस ऑप्शन को आप तभी इस्तेमाल करें जब आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग होने लग गया है और आप परेशान हो गए हैं। आप जब इस ऑप्शन को ऑफ कर लेंगे फ्रेंड्स, आई गारंटी यू आपका फ़ोन बिल्कुल हैंग नहीं होगा और बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। फ्रेंड्स यदि आप रेगुलरली अपने फ़ोन में अननेसेसरी फाइल्स, फोटोज़ और वीडियोज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए एक सिंपल सी एप्लीकेशन है, जिसके लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाएं और यहां आप टाइप करें सी क्लीनर। आप सी क्लीनर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। यह सी क्लीनर एप्लीकेशन ना सिर्फ आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा बल्कि सारी अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव कर आपके फ़ोन को गर्म होने से और हैंग होने से भी बचाएगा। फ्रेंड्स हमारा सी क्लीनर यहां इंस्टॉल हो गया है। मैं इसे यहां ओपन कर लेता हूं और यहां इसे स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने के बाद मैं इसे फ्री ऑप्शन को मैं अलाउ करता हूं और इसके फोटो और मीडिया एक्सेस को अलाउ करता हूं। यहां मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या मैं इसे परमिट करता हूं एनालाइज करने के लिए। मैं यहां जैसे एनालाइज करता हूं मुझे ये एप्लीकेशन बताती है कि मुझे कितनी सारी फाइल्स है जिन्हें डिलीट करना बाकी है। मैं इसे एनालाइज करता हूं, यह एप्लीकेशन ऑटोमेटिक एनालाइज कर रही है कि मुझे कितनी सारी फाइल्स है जिनको डिलीट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एनालिसिस पूरा हो चुका है। यहाँ पर लिखा आ रहा है फ्रेंड्स कि फिनिश क्लीनिंग 455 MB और यहाँ ऊपर जो स्टोरेज आप देख रहे हैं कि यहाँ 3.67 GB कैन बी क्लीन्ड। हम इस ऑप्शन को फिनिश करते हैं और यहाँ आप पाएंगे फ्रेंड्स कि हमारा 455 MB इमीडिएटली यहाँ पर क्लीन।